ऐसे में गवर्नमेंट क्या प्लान रखती है कि पाबंदियों में नरमी की है लेकिन इसके बावजूद मेक श्योर किया जाएगा कि लोग एसओपीज को फॉलो करें? जी बिल्कुल, देखें ये पाबंदियां जो हैं ये कितनी देर तक नरम रहती हैं इसका बहुत हद तक डिपेंड करेगा लोगों के रवैये पे, क्योंकि केसेस में बेशक कमी आई है मगर आपको भी याद होगा कि हम लोगों ने NPIs को ज़रा स्ट्रॉन्ग किया था, बहुत सारे सेक्टर्स जो थे उनको बंद किया गया था, जिसमें ट्रांसपोर्ट को भी लिमिट किया गया था, मार्केट प्लेसेस की भी टाइमिंग्स लिमिट की गई थी, इनडोर डाइनिंग बंद थी, पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी बंद थे। तो ये जो इफेक्ट आया है केसेस में कमी का वो इन तमाम जो इकदाम किए गए थे उसका नतीजा है। अब चूंकि पाबंदियों में नरमी की जा रही है तो अब SOPs पे अमल करना पहले से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। तो बिल्कुल इस वक्त मास्क का इस्तेमाल, में मैं समझती हूँ कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो भी मास्क का इस्तेमाल करें, पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करें, बगैर जरूरत के घर से ना निकलें, कोई जरूरी काम है तो बाजारों में भी जाएं। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये अभी हमें कुछ अरसा और करनी पड़ेंगी जब तक हमारी पॉपुलेशन का 70% जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाता। अभी हमारे जो फुली वैक्सीनेटेड हैं वो 11% पॉपुलेशन जो है वो हमारी फुली वैक्सीनेट हुई है। तो दिसंबर तक हमारा टारगेट है कि हम 70% पॉपुलेशन को कर लें, तब तक हमें SOPs पे भी अमल दरामद जो है सख्ती से करना पड़ेगा और बाकी भी जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि फॉलो तो आप कर रहे हैं सिचुएशन को, लेकिन ये बताइएगा जो कि डेल्टा वेरियंट के हवाले से बात की जा रही थी, अब क्या ये डिक्लाइनिंग की तरफ है और क्या स्टडी इस वक्त हो रही है जो कि इस वक्त वेरिएंट्स के हवाले से बात चल रही थी और कहा जा रहा है कुछ नए वेरिएंट्स पर भी इस वक्त स्टडी हो रही है, इस वक्त NCOC इसको कैसे देख रहा है? देखिए जी, ये वेरिएंट्स जो हैं वो तो इस वक्त दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं, मगर जिस तरह से एक वो जो बात होती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो उसके अंदर ये है कि हमारा जो डेल्टा वेरिएंट है उस वक्त ये सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएंट है जिसने तमाम वेरिएंट्स को जो है वो उनको डोमिनेट कर लिया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो डोमिनेंट वेरिएंट है वो डेल्टा ही है, और मगर इस वक्त केसेस में जो है वो कमी आई है, जो हमारा पॉजिटिविटी रेशियो जो पिछले काफी अरसे से 6 और 7 के दरमियान था वो अब 5 से नीचे आ गया है। एक्टिव केसेस की तादाद भी जो तकरीबन 1 लाख के करीब थी वो भी 60,000 के करीब हो गई है। तो इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं मगर एहतियात जो है वो अभी भी लाजमी है। बिल्कुल, इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज जो बेहतर नहीं हो पा रही है वो रवैये हैं हम लोगों के, जो हमारे आसपास ही लोग मौजूद हैं, अभी भी लोग प्रेफर कर रहे हैं और हो भी रहा है, जाली सर्टिफिकेट बनाकर अपने आप को वैक्सीनेटेड शो कर रहे हैं ताकि वो तमाम पाबंदियों से मुबर्रा हो जाएं और सिस्टम, लेकिन सिस्टम का हिस्सा ना बने और ना ही वैक्सीनेट हो सकें, उनके लिए क्या किया जा रहा है, इस सिस्टम को कैसे पकड़ा जा सकेगा? अभी भी नादरा के जाली सर्टिफिकेट बन रहे हैं और अब तो 200-300 में बन रहे हैं। जी देखिए, ये जितने लोग भी जाली सर्टिफिकेट बना रहे हैं इनके लिए मैं आपके तवज्जो से उनको वार्निंग देना चाहती हूँ कि ये जाली सर्टिफिकेट जो हैं ये ट्रेस हो जाते हैं और इसके लिए सजा भी है, जुर्माना भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक अपनी कौम के साथ जो है वो ख्यानत कर रहे हैं। इस वक्त ऐसे हमारे पास एक ऐप लॉन्च हो चुकी हुई है, उस ऐप के जरिए जो है वो सर्टिफिकेट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। उसके अलावा जिस तरह आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट के ऊपर एक बार कोड मौजूद होता है, तो वो जहाँ कहीं भी स्कैन होगा वो बार कोड को फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि वो बार कोड जो है ये फेक सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, क्योंकि जो असल बार कोड है वो सिर्फ नादरा का ओरिजिनल उसमें मौजूद है। आप जो कह रही हैं कि इस तरह से एप्लीकेशन होगी और बारकोड चेक होंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऑलरेडी जिस तरह से मार्केट्स में और आपने जिस तरह रेस्टोरेंट्स में कहा, फिर शॉपिंग मॉल्स में और दीगर जगहों में जहाँ पर, या बस स्टैंड्स पर जहाँ पर वैक्सीनेशन के कार्ड्स लोग चेक करते हैं और वो भेज देते हैं, अभी तो ये चेकिंग तो निज़ाम बड़ा मुश्किल था जो कि लागू हो गया, फिर इसको दोबारा से काउंटर चेक करना, क्या आपको लग रहा है ये पॉसिबल हो जाएगा आइंदा चंद हफ्तों में? देखिए जी बिल्कुल, अरशद उमर साहब ने जिस तरह से कहा है कि इन तमाम चीज़ों को 1 अक्टूबर से हम मैंडेटरी करेंगे, अभी तो एक बिल्कुल कहा तो जाता है मगर जो एक्चुअल इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी वो 1 अक्टूबर तक टाइम दिया जा रहा है कि अपने अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो हैं वो बना लें। उसके बाद IT का इस्तेमाल किया जाएगा और डेफिनेटली ऐसे स्कैनर्स या ऐसी
चीज जो है वो इन मार्केट प्लेसेस पे और इन सारों के पास होगी कि जिससे ये स्कैन होंगे, तो ये ऐप भी जो है ये हर टेलीफोन के ऊपर हो सकती है, इसके थ्रू भी ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल ये वार्निंग है उन लोगों के लिए जो जाली सर्टिफिकेट बना रहे हैं कि वो पकड़े भी जा सकते हैं और उनको सख्त सजा भी हो सकती है। बिल्कुल सही, 1 अक्टूबर से तो मजीद सख्ती भी की जाएगी, आपने ये बात की, और वो सख्ती जो है वो हर सेक्टर में होगी, वो चाहे होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो, वो चाहे पेट्रोल पंप हो, या बाकी जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी उसके अकॉर्डिंगली। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैसेज क्या देना चाहेंगी आप आवाम को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 11% जो आपने कहा कि अभी तक पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है वो बहुत कम है, और दिसंबर में कोई इतना टाइम भी नहीं रह गया, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर 3 महीने में, कि आपको लगता है कि 70% का टारगेट गवर्नमेंट अचीव कर लेगी? देखिए जी, पहले तो बिल्कुल ये हमारी वैक्सीनेशन का अमल बहुत स्लो था जी। डॉक्टर साहिबा सिग्नल्स का थोड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहिबा गुफ्तगु करी थी वैक्सीनेशन के हवाले से, पहली डोज जो है वो अभी तक लोगों ने लगवाई है तकरीबन 7 करोड़ लोगों ने, और जो सेकंड डोज है वो यानी कि फुली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो हैं तकरीबन 2 करोड़ से लगभग, यानी कि 11% उन्होंने बताया। तो अगर ये 7 करोड़ मुकम्मल हो जाए सेकेंड डोज तो भी मेरे ख्याल में बड़े नंबर बेहतर हो जाएंगे। अवेलेबल भी नहीं है, साइनोफार्म का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि वो अवेलेबल नहीं है, जबकि हुकूमत ने कहा था कि हम अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करेंगे। तो डॉक्टर साहिबा अगर हमारे साथ लाइन पर आती हैं तो हम उनसे ये बात भी करेंगे कि साइनोफार्म जो लोग एक्चुअली प्रेफर कर रहे हैं कि हमने लगवानी है, या जिनको पहली डोज लग चुकी है और दूसरी लगनी है और वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके अब जब आप किसी को कॉल करते हैं तो जो मैसेज आपको सुनवाया जाता है उसमें भी सेकंड डोज के हवाले से है। गवर्नमेंट इस पर कैंपेन कर रही है कि मैसेज का इंतजार ना करें, टाइम हो गया है तो आप अपने डेज कैलकुलेशन के बाद सेकेंड डोज लगवाने जा सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट साइनोफार्म वाले, अगर वो जा रहे हैं और उनको नहीं मिल रहा तो फिर उनको कौन केयर करेगा? ये भी एक सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है कि वैक्सीन जो है वो अवेलेबल हो, फिर हम लोगों को पुश करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आपने पहली डोज किसी वैक्सीन की लगवाई है तो साइनोफार्म की अगर आपने लगवाई है तो दूसरी किसी और की लगवा लें, क्योंकि आपने वही लगवानी है। आप ये तो कहते हैं गवर्नमेंट कि आपको जो भी अवेलेबल है वो लगवा लें, लेकिन सेकंड डोज के लिए बात लागू नहीं है। सेकंड डोज आपने वही लगवानी है जो पहली डोज आपको लगी है। तो साइनोफार्म अगर किसी ने पहली दफा लगवाई है तो उसको सेकंड अवेलेबल होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट को मेक श्योर करना चाहिए। जहां जहां से शिकायत आ रही है, लोग परेशान है कि हमें साइनोफार्म नहीं मिल रही है, उसको फौरी तौर पर हल भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर इसकी क्या वजूहत है कि वहां पर सेकंड डोज नहीं मौजूद। लेकिन फिर सेट्स जो है मुकम्मल होने चाहिए, मुकम्मल होने चाहिए। और वो प्यारे प्यारे लोग, अच्छे अच्छे लोग जो घरों में बैठे हैं, जो इतने शहजादे हैं कि उन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई, तो मैं हाथ जोड़कर उनको कह रही हूँ कि प्लीज जाकर अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और अपने इस नेशनल कॉज में अपना हिस्सा डालें। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जी। डॉक्टर साहिबा, एक तो मैसेज की हम बात कर रहे थे, दूसरा साइनोफार्म की दूसरी डोज जो है वो अवेलेबल नहीं है, बहुत सी जगहों पर ये इशू आ रहा है। देखिए जी, ये बिल्कुल थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन है। साइनोफार्म जो है वो वाफर मिकदार में मौजूद है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सेकेंड डोज इनकी ड्यू है, जिनको पहली डोज लग चुकी है उनके लिए ये इंश्योर किया गया हुआ है कि उनकी सेकेंड डोज जो है वो हमारे पास स्टॉक में मौजूद हो। तो इसलिए बिल्कुल किसी किस्म की भी मैं समझती हूँ कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। देखें, जो सेकंड डोज जिन्होंने साइनोफार्म की लगवानी है, उन्होंने पहली साइनोफार्म की लगवाई तो वो दूसरी साइनोफार्म की लगवाएंगे। अगर वो जाते हैं तो उनको नहीं मिलती तो परेशानी तो है ना उन लोगों के लिए, तो उनका क्या सोचा है, किस तरह से इसको मेक श्योर करना है? देखिए, कुछ सेंटर्स के ऊपर हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आई हो, मगर जिन लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है उनके लिए ये इंश्योर किया गया है कि सेकेंड डोज उनकी मौजूद है। और कुछ हो सकता है छोटे सेंटर्स के ऊपर ये मसला हो, मगर साइनोफार्म की सेकेंड डोज की कोई शॉर्टेज इस वक्त नहीं है जी। बिल्कुल सही, आपकी अकॉर्डिंगली कोई शॉर्टेज अवेलेबल नहीं, लेकिन डॉक्टर साहिबा हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के जो मेजर सेंटर्स हैं, एक्सपो सेंटर, मेयो हॉस्पिटल, शेख जायद, वहाँ पर सेकेंड डोज साइनोफार्म अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि ये अवेलेबिलिटी का एड जो है वो गवर्नमेंट साइड से क्लियर रहे, और फिर आवाम से तो हम भी आपके साथ मिलकर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ घरों से बाहर निकलें और अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, ताकि हम सब सुकून की ज़िंदगी के पाबंदियों के बगैर, कोरोना के बगैर। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, हमें एक ब्रेक लेनी है जी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुश